अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया, उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रटे वालों के लिए कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कल हमने स्टडी किया था एसिडिक सॉल्ट्स के बारे में। हमने देखा था कि किस तरह जो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं वो बनते हैं, ठीक है, किस तरह जो हाइड्रोजन का जो पार्शियल ट्रांसफर है वो होता है और हमारे पास जो होते हैं वो प्रोडक्ट बन रहा होता है, मींस कि हमारे पास एसिडिक सॉल्ट बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो एसिडिक सॉल्ट बना होता है वो दोबारा रिएक्शन करते हैं आपकी बेस के साथ और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है एक सॉल्ट का, ठीक है, जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है किस चीज़ का, आपके हाइड्रोजन आयंस का। पहले एक स्टेप के अंदर एक का होता है, फिर दूसरे के अंदर दूसरा होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है। एट द सेम टाइम एट द मेन स्टेप मीन्स के एक स्टेप के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर जो है किस चीज का, हाइड्रोजन आयंस का, वो एसिडिक सॉल्ट्स के अंदर नहीं होता, ठीक है, वो न्यूट्रल सॉल्ट्स के अंदर हमने देखा था। आज अगर बच्चों हम बात करें किस चीज की, आज बच्चों अगर हम बात करते हैं बेसिक सॉल्ट्स, आपको पता है बेस क्या होती है, बेस वो चीज़ होती है जो जिसके पास हाइड्रोक्सल आयंस होते हैं, हम जनरली इसको इस तरह समझते हैं। और बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो कि OH आइंस कंटेन करते हैं, ठीक है, जिनके अंदर OH होता है वो प्रेस्ड होता है XX के अंदर, ठीक है, या फिर आप इसका भी समझ लो बेसिकली बेसिक सॉल्ट्स के अंदर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है किस चीज की, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की। अब पॉलीहाइड्रोक्सी बेस उन्होंने क्यों कहा बच्चों, पोली का मतलब होता है मैनी। देखो जब कल हमने एसिड देखे थे, ठीक है, एसिड्स को मैं आपको एक बात बता दूं, जब एसिड्स 2, 3 या 4 होते हैं तो इनको पॉलीप्रोटिक एसिड कहा जाता है, ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड। जैसे H2SO4 जो होता है वो आपके पास एक पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉली मीन्स मैनी, प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन, जो H पॉजिटिव इसके पास 2 हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इसको पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। सेम इसी तरह जो बेसिस होती हैं जिनके पास देखो सपोज OH2 है, OH3 है, ठीक है, जिसके पास हाइड्रोक्सर जो है वो 3 है 4 है, तो ये पॉली है मीन्स की मैनी है, तो इनको कहा जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। अब ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी बेस होते हैं इसका इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, मीन्स के पहले स्टेप के अंदर एक जो होता है आपका OH निकलता है, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर दूसरा निकलता है, तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अगर हम जनरल रिएक्शन देखें जो आपकी बुक के ऊपर भी मेंशन है, वही वाले करवाऊंगी आपको, क्योंकि थोड़े से रिएक्शन मुश्किल है, आप उनको ही समझो इस तरह। वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, AlOH3 का, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। तो देखो बच्चों, अभी हमने देखा कि ये हमारे पास क्या होना है, ये हमारे पास होना है बेसिक सॉल्ट, BS लिख लो, ठीक है, बेसिक सॉल्ट होगा। अब बेसिक सॉल्ट के अंदर क्या होगा बच्चों, कि सबसे पहले एक स्टेप के अंदर मींस कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी, तो आपका जो एक OH है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा नेगेटिव OH, ठीक है, ये एक OH जो है बच्चों यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जब एक OH जो बाहर निकल के यहाँ पर एक जगह बच जाती है, अब जगह कैसे बचती है, देखो यहाँ से OH एक बाहर गया, ठीक है, यहाँ पर रह गए OH2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ से Cl उठाते हैं और ये यहाँ चल जाता है इसके साथ, तो ये बनता है हमारे पास प्रोडक्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फिर क्लोराइड प्लस वाटर। वाटर तो आपको पता है जब भी सॉल्ट की फॉर्मेशन होनी है, आइदर कंपाउंड है हमारे, कॉम्प्लेक्स है, मिक्सड है, डबल है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, आपके पास वाटर की फॉर्मेशन जो है वो होना नेसेसरी है, वो जरूरी है, इसके बगैर आपका रिएक्शन जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, आप अपने रिएक्शन जो है उसी तरह नहीं लिखोगे। सॉल्ट के अंदर जब भी सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहे हो तो आपके पास वाटर जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट लास्ट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक OH2 जो है वो निकल चुका है, अब ये AlOH2 है, अब ये AlOH2 दोबारा रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ, तो अगले स्टेप के अंदर जो दूसरा वाला है वो भी निकल जाता है, जहाँ पर एक रहता है, फिर दोबारा रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ, तो फिर हमारे पास अल्टीमेटली एक सॉल्ट बन जाता है जो कि नॉर्मल सॉल्ट होता है। अब मैं आपके आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है, आपके ओके ऊपर स्टेप बाय स्टेप दिखे होने के, पहले एक रिएक्शन फिर दूसरे रिएक्शन, हम इसको एक स्टेप में करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले एल्यूमिनियम OH3 प्लस HCl, ठीक है, ये आपके पास पहला स्टेप है। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है कि यहाँ से सिर्फ एक OH निकला है, ठीक है, AlOH2 और Cl प्लस H2O। इस स्टेप के अंदर बच्चों बेसिकली क्या हुआ है कि आपके पास एक ये बेसिक सॉल्ट बन गया है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो अटैच है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा, क्योंकि हमने न्यूट्रल सॉल्ट बनाया, एट द एंड आपके पास जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट होना चाहिए, जिसके अंदर ना तो कोई आपके पास H पॉजिटिव होना चाहिए, ना ही आपके पास कोई होना चाहिए OH, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक मेटल होना चाहिए जिसके साथ आप दो रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाती हूँ किस तरह। अब देखो AlOH2 जो होता है बच्चों, ये रिएक्ट करता है फर्दर किसके साथ, आपके HCl के साथ,
ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को करें, स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोगों का रिएक्शन हो रहा है तो हम इसको कह सकते हैं, आप इसको समझ सकते हो कि ये हमारे पास एक इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई है, ठीक है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन एक स्टेप के अंदर। अब देखो बच्चों, यहां से जब एक OH निकल जाएगा बाहर माइनस OH, तो फिर इसके पास जगह खाली बच जाएगी, तो फिर जो सॉरी फिर जो Cl है ये जाके इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो यहां से जगह खाली जब बची है तो आपके पास ये हो जाएगा एल्यूमिनियम OH और Cl2, क्योंकि पहले यहाँ पर सिर्फ एक Cl था, यहाँ से दोबारा Cl इसके पास किया तो ये Cl2 हो गया प्लस H2O। अब दोबारा आपके पास बच्चों क्या है कि यहाँ पर OH प्रेजेंट है, ये अभी भी बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, ये अभी क्या कहते हैं बेसिक सॉल्ट ही है, इसके अंदर हमें इसको भी रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा AlOH Cl2 को लेंगे, HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन करवाने के बाद हमारे पास क्या होगा, जो Cl है वो जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, इससे रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से OH जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे AlCl3 प्लस H2O। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने की है बच्चों वो ये देखो, मैंने आपको बताया कि जब स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन था हमारे पास था AlOH3, मींस के एल्यूमिनियम के साथ क्या होना चाहिए कि तीन कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स, मींस की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए तीन मॉलिक्यूल्स अटैच होने चाहिए। तो देखो स्टार्ट के अंदर OH3 थे, एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपके पास Cl3 है, तो इसका मतलब क्या है इसकी वैलेंसी जो है फुली सेटिस्फाइड हो चुकी है, ठीक है। अब बच्चों दूसरा रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, वो है आपके पास Pb का, मींस के लेड हाइड्रोक्साइड PbOH2, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये कर रहा है बच्चों एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास लेड है, इसकी सारी बात है, इसका इस रिएक्शन से जो आपके पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट है इससे क्या आपको समझ चीज आती है, वो ये कि पीबी के साथ दो OH अटैच है, तो आपके पास प्रोडक्ट इस तरह का बनना चाहिए कि आपके पास पीबी के साथ दो जो हैं वो अटैच हो मोलिक्यूल, ताकि इसकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि PbOH2, आपको पता है कि ये एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, PbOH2 आपको पता चल रहा है, नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, बेस है एक। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक OH जो है यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, यहाँ से OH नेगेटिव ये बाहर निकल गया, ठीक है, माइनस OH का मतलब कि यहाँ से रिमूव किया। अब क्या होगा, जो आपका दूसरा एसिड है, ठीक है, उसका एक पॉजिटिव पार्ट है एक नेगेटिव पार्ट है, उसका बच्चों नेगेटिव पार्ट क्या करेगा, वो जाके इसके साथ रिएक्शन करेगा, किस तरह आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, पी बी ओ एच और सी एच थ्री सी ओ, ठीक है, प्लस एच टू ओ। अब देखो ये प्रोडक्ट जो आपके पास बना है बच्चों ये भी बेसिक है, क्यों, क्योंकि बस इसके ओ एच है। अब ये दोबारा फर्दर पी बी ओ एच सी एच थ्री सी ओ ओ ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, ये रिएक्शन करेगा सी एच थ्री सी ओ एच के साथ, तो आपके पास अब क्या होगा, आपके पास ये वाला ओ एच जो रह गया है ये भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जब ये रिमूव हो गया ऑटोमेटिकली यहाँ से एक एच निकला बाहर, क्योंकि आपके पास पता है एक इसका पॉजिटिव पार्ट है एक नेगेटिव पार्ट है, सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव पार्ट है और एच पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। एच पॉजिटिव ने क्या किया, रिएक्शन किया इसके साथ ओ एच के साथ, तो आपके पास क्या बना है, अल्टीमेटली बना है वाटर और पी बी सी एच थ्री सी ओ ओ टू। अब देखो यहाँ पर सेम इसी तरह दो आपके पास मोलिक्यूल्स किसके बन गए हैं, एसीटेट के बन गए, ठीक है, लेड एसीटेट आपके पास क्या बन गया है प्रोडक्ट, आप इसको लिख सकते हो लेड एसीटेट, पहले आपके पास क्या था लेड हाइड्रोक्साइड, उसके बाद आपके पास एंड प्रोडक्ट क्या बना है लेड एसीटेट, जो कि एक नॉर्मल या न्यूट्रल सा आता है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम लास्ट रिएक्शन देखें, ठीक है, और वो रिएक्शन किस चीज़ का है बच्चों, वो रिएक्शन है आपके पास जिंक हाइड्रोक्साइड, सेम उसी तरह जिस तरह हमने लेड का देखा है, ये लेड करते हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, एच एन ओ थ्री के साथ। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ समझने की है, यहाँ से पहले क्या निकलेगा, पहले स्टेप के अंदर यहाँ से ओ एच का रिमूवल होगा, एक OH का रिमूवल, क्योंकि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है बेसिक साल्ट है, तो एक एक करके इसके अंदर से निकलने चीजें। अब तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ZnOH, ठीक है, एक तो H निकल गया यहाँ से। अब क्या होगा कि आपको पता है कि आपके एसिड के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, नाइट्रेट जो होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है, नाइट्रेट और एच पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव पार्ट है इसका, ठीक है, कैटाइन है। अब यहाँ से जो एक OH गया है, ठीक है, ये रिएक्शन करेगा इसके साथ वो एच पॉजिटिव के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनी, H2O बाय प्रोडक्ट बननी है, और जो एन ए थ्री एन ओ थ्री है नेगेटिव, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, जिंक के साथ, तो आपके पास ये एक जो है इंटरमीडिएट रिएक्शन भी कह सकते हो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी कह सकते हो, ये बना है। अब देखो आपके पास अभी भी बच्चों एक ओ एच प्रेजेंट है, ये अभी भी बेसिक सॉल्ट है, तो हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है एक न्यूट्रल सॉल्ट, तो ये वाला जो आपके पास प्रोडक्ट है ये दोबारा रिएक्शन करेगा किसके साथ, एच एन ओ थ्री के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, सेम वही स्टेप। अब यहाँ पर क्या होगा कि एच इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो आपके पास क्या बनेगा, जी एन एन ओ थ्री टू प्लस एच टू ओ, ये आपका बाय प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं जिंक नाइट्रेट, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा सा समझना है, मींस कि यहाँ पर मैम जो पहले हम रिएक्शन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टू मोलिक्यूल्स क्यों होने चाहिए, क्योंकि जिंक जो होता है उसके ऊपर चार्ज होता है टू प्लस
और नाइट्रेट के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, तो आपको पता है जब वैलेंसी जो होती है वो इंटरचेंज होती है। ठीक है, इसकी वैलेंसी जो है जो नंबर लिखे हुए हैं मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, वो इसकी वैलेंसी है और जो इसके लिखे हुए हैं वो इसकी वैलेंसी। ये आप लोगों को पता है जब हमने पढ़ा था ये किस तरह जो होता है, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था बेसिकली बच्चों आपका आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा है कि बेसिक सॉल्ट्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं, रिएक्शन रोज के रोज किया करो। इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को बर्डन ना हो, आप लोग बर्डनाइज ना फील करो। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो आप लोगों को हमेशा जो है बच्चों वो याद रहेगा। ठीक है बच्चों, आज के इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ आई होगी। तो कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटमेंट के साथ, तब तक के लिए फेमानिल्ला।